ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है किसी कंपनी का सीईओ बनना जो हो सकता है आपके लिए फाइव ईयर गोल हो टेन ईयर गोल हो या गोल ही नहीं हो अगर आपका गोल ही नहीं है तो आप सीईओ बनेंगे नहीं लेकिन अगर आपका गोल है और आपका गोल है फाइव ईयर में सीईओ बनना तो आप फाइव ईयर में बन जाएंगे आपका गोल है टेन ईयर में सीईओ बनना तो आप टेन ईयर में बन जाएंगे तो डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट गोल एंड गोल इज इंपॉर्टेंट एंड कीपिंग दैट इन माइंड उस गोल को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी काम करने हैं अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी आपका क्लियर विजन है कि मुझे सीईओ बनना है अगले पांच साल बाद तो फिर आप क्या करेंगे फिर आप ऑब्वियसली लीडरशिप रोल एडॉप्ट करेंगे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं राइट right? जिस स्कूल या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर लीडरशिप से संबंधित एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे लीडरशिप रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे बिल्कुल करेंगे तो ये ही तो आपसे सुनना चाहता हूं आपके बायोडेटा में इंप्रेशन इस चीज का होगा रिफ्लेक्शन इस चीज का होगा क्या कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे मान लीजिए आप बीकॉम कर रहे थे तब आपने कॉलेज के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन में भाग लिया आप स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया आपने आपने कॉलेज कॉलेज के लिए का जो प्लांटेशन एक्टिविटी था उसमें भाग लिया. भाग लिया लिया प्लांटेशन एक्टिविटी में आपने अपना वॉल्टरी ग्रुप बनाया कॉलेज के अंदर और उसके अंदर लीडरशिप का रोल प्ले किया आपने अपने कॉलेज की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके होस्ट के रूप में इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में पार्टिसिपेट किया और उस कॉन्फ्रेंस को सफल बनवाया अब ये छोटी छोटी बातें ऐड होती जाएगी और इनके बेस पर आपको अगला लीडरशिप रोल जल्दी मिल जाएगा आपको अगला स्टेप यानी अगली पोस्ट अगली जॉब आपके पिछले काम के बेस पे मिलती है आपने कॉलेज के अंदर कोई काम नहीं किए आप सीधा उम्मीद करोगे ब्रांच मैनेजर की पोस्ट मिल जाए नहीं मिल पाएगी लेकिन आपने अपने कॉलेज डेज के अंदर अपने लीडरशिप कैपेबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया लीडरशिप कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया कॉलेज में जितना समय मिला आपने अपनी तरफ से लीडरशिप को डेवलप करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया क्या होगा अगली बार आप अप्लाई करेंगे आपको लीडरशिप रोल तुरंत मिल जाएगी आपको मैनेजर की जॉब तुरंत मिल जाएगी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस अपने रिज्यूमे को ऐड करते जाना है अपने रिज्यूम को अपने बायोडाटा को कंटिन्यूसली ऐड करते जाइए किन चीजों से जिस डायरेक्शन में आपको जाना है जो गोल आपको हासिल करना है जिस टारगेट को आपको हासिल करना है उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपने बायोडाटा को एनरिच करते जाइए आप जिस शहर में भी हैं यह काम कर सकते हैं। जिस स्थिति में हैं उसमें भी इस काम को कर सकते यह मत सोचिए कि मैं शायद दिल्ली में होता तो मैं अपना ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव बाइडेटा बना लेता मैं बॉम्बे में होता तो शायद कॉर्पोरेट लीडरशिप के रोल ज्यादा अच्छे से निभा लेता मैं एक छोटे शहर में हूं इसलिए यह काम नहीं कर सकता ऐसा मत सोचिए यू कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टेइंग इन एनी सिटी

अपने रिज्यूम को शानदार बनाने में अपने बायोडाटा को शानदार बनाने में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मदद जरूर करें मदद लें अपना आपका जो लिंकड प्रोफाइल है वो बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए और भी जो दूसरे प्रोफाइल हैं फेसबुक वगैरह पे वो भी इम्प्रेसिव होना चाहिए मगर लिंक्ड के ऊपर तो खास तौर पर ध्यान दीजिए लिंक्ड की मदद से ही आपको जॉब मिल जाएंगे अगर आप लिंकड पर प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करते हैं वेल कनेक्टेड हैं प्रोफेशनल सोसाइटी के मेम्बर हैं रेगुलरली इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं नॉलेज शेयरिंग में अच्छा योगदान देते हैं आपको प्रोफेशनल नेटवर्क वाले वहीं से बुला लें मैंने कई लोगों को देखा है लिंक्ड पर उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उसका फायदा भी उनको मिलता है वो एक नौकरी छोड़ देते हैं तो तुरंत दूसरी नौकरी उनको मिल जाती है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बुला लेते हैं क्योंकि साफ नजर आता है इस व्यक्ति के तीस हजार फॉलोवर हैं पंद्रह हजार फॉलोवर है पचास हजार फॉलोवर हैं और इस ये व्यक्ति एक एक कम्युनिकेशन इतना सोच समझ के इतना बढ़िया ढंग से प्रेजेंट करता है एक कम्युनिकेशन आते ही वो शाम तक वायरल हो जाती है उसको पच्चीस हजार लाइक मिल जाते हैं डेफिनेटली आप सोचिए इस प्रोफाइल वाले बंदे को क्यों नहीं नौकरी लोग इन्वाइट करेंगे नौकरी आपके आगे पीछे क्यों नहीं घूमेगी आप खुद सोचिए तो अपने इन प्रोफाइल के ऊपर जरूर फोकस करें उसको स्ट्रेंथन करें, वेरी इजी इजी फॉर यू ये आपके लिए बहुत आसान है नई जनरेशन के लिए ये चीजें बहुत आसान सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर लिंक्ड इनसे संबंधित कैसे अपने पेज को ज्यादा इंप्रेसिव बनाए इस पर कभी विशेष बातचीत हो सकती है फिर भी आप में से किसी को भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं अभी भी पूछ सकते हैं बाद में भी पूछ सकते हैं और uh, मैं भी अपनी राय आपको दे सकता हूं दूसरे लोग भी हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी आप राय ले सकते हैं सो देट यू कैन क्रिएट योर इंप्रेसिव सोशल मीडिया